दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जायरवाल और आप इनको तो पहचाने गए, उनकी मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि इनकी तो तारीफ आज के टाइम में और आज तो खास तौर से हर चैनल वाला कर रहा है। खैर फिर भी बताए तो आपको, ये है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में बंद है। खैर दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताता हूँ, आज तक हम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक घोटालेबाज समझते थे, हमें लगता था सिर्फ इसने कुछ घोटाले करें, शराब घोटाले करें और इसका इतना ही दोष है। खैर दोष भी क्या है भाई, घोटाले होते हैं और इन्होंने जो शराब घोटाला हुआ था उसमें रिश्वत खाई थी, तो आज तक हम लोगों को ये लगता था कि ये सिर्फ घोटालेबाज है, रिश्वतखोर है। परंतु दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिससे हमें ये पता चला है कि ये आदमी रिश्वतखोर और घोटालेबाज के अलावा आतंकवादी भी है। ये एक ऐसा आतंकवादी है जो हमारे देश के विरोधी जितने भी लोग हैं, जो हमारे देश को दिन रात कोसते हैं, हमारे देश का भला बुरा चाहते हैं, उन लोगों के साथ मिलना उठना बैठना ये सब काम करते हैं, उन लोगों से फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ये हमारे देश में जो उनके आतंकवादी हैं उनको छुड़वाने का प्रयास करते हैं, उनको वादा देते हैं। तो दोस्तों ये अरविंद केजरीवाल की आज के टाइम में एक नई पहचान है जो कि आतंकवादी के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस व्यक्ति को देखिए, ये है खालिस्तानी समर्थक गुरुवंत पंत सिंह पन्नू और दोस्तों ये आज के टाइम में अमेरिका और कनाडा में रहता है। आप सभी जानते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तानी जो मूवमेंट जो चलती है वो यही व्यक्ति चलाता है और ऐसा ही माना जाता है कि खालिस्तान मूवमेंट के लिए सारा पैसा सारी फंडिंग यही प्रोवाइड कराता है। दोस्तों इस व्यक्ति ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करी है जिसमें इसने दावा करा है कि 2014 के अंदर अरविंद केजरीवाल जो कि यूएस में गए थे उनको ये मिले और उनको इन्होंने पैसे दिए। पैसे किस एवज में दिए, इनके एक टेररिस्ट थे देविंदर पाल सिंह भुल्लर जो कि फिलहाल जेल में बंद है, उनको छुड़वाने के एवज में, और इन्होंने ये वादा भी किया कि ये खालिस्तानी जो इनके समर्थक हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे इन्होंने अपनी वीडियो में बताया और बकायदा ये वीडियो जारी करी है इसने। ये वीडियो आज के टाइम में सोशल मीडिया में खूब जमकर वायरल हो रही है, हम भी इस वीडियो को लास्ट में दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों इस व्यक्ति ने पन्नू ने ये खुलेआम ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को लगभग $16 मिलियन इन्होंने पैसा दिया है। इन्होंने दिया था इसलिए ताकि खालिस्तान समर्थक जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे और जो इनके भुल्लर हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं उनको ये रिहा करवाएंगे। दोस्तों आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ, पहले देविंदर पाल सिंह भुल्लर के बारे में बताते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर एक आतंकवादी था जो कि 1993 के बम ब्लास्ट में दोषी था जिसको सजाए मौत की सजा दी गई थी, परंतु कई बार इस आतंकवादी ने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और हमारे यहाँ राष्ट्रपति के आगे, उसके बाद जो इसकी जो सजाए मौत की जो सजा थी इसको घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। फिलहाल ये व्यक्ति जेल में बंद है और खालिस्तानी जितने भी समर्थक हैं वो इनको छुड़वाना चाहते हैं, तो इनके चलते इन्होंने अरविंद केजरीवाल को $16 मिलियन की फंडिंग करी है जिसका खुलासा इन्होंने इस वीडियो के अंदर करा है। और दोस्तों क्या कुछ कहा इन्होंने इस वीडियो के अंदर देखिए आप भी, और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद अब आप खुद सोचिए कि ये अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो आज तक अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी बोलता था, जो हमेशा ये बोलता था कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। अब आज हम पूछना चाहेंगे उनसे कि इस पन्नू की इस वीडियो के बारे में, इस इल्जामों के बारे में इनकी क्या राय है। जितने आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो आज अरविंद केजरीवाल के लिए प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने वाले, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। ये अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादियों का समर्थक है। दोस्तों वैसे तो अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, पर अब हमें लगता है कि ये एनआईए के यहाँ से अगर गलती है छूट भी गए तो इनको एनआईए पकड़ लेगी, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियों में अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसकी जांच एनआईए करती है और अब इनका अगला जो ठिकाना होगा वो एनआईए होगा। और हमें ऐसा लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल शायद इस जन्म में तो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। खैर दोस्तों आप भी देखिए वायरल वीडियो, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर आज जो नई वीडियो जारी हुई इसको लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये जो खालिस्तानी समर्थक है पन्नू इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताएं, और वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना। अरविंद केजरीवाल जड़े अपने आप नू ईमानदार भारतीय हिंदू दसदे है, पर ओहो बेईमान भारतीय हिंदू तो भी खतरनाक निकले।
2014 तो अरविंद केजरीवाल जदों इन्हां दे कोल सत्ता नहीं सी अमेरिका आउंदा और इत्थे वादा करदा न्यूयॉर्क दे विच खालिस्तानी पक्षी उन्हां धिरां दे नाल असीं उदों भी रोकिया सी उन्हां धिरां नूं पर इन्हें वादा किया कि प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर 5 घंटे दे विच छड़ दिता जाएगा जदों इन्हां दी सरकार बनी। अज 9वां साल है इन्हां दी सरकार बनी नूं पर प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर तां की छड़ना सी। बाकी सिंह जिहड़े अज खालिस्तान दी गल करदे आ पंजाब दे विच इस भंडमान जिहड़ा पहलो बादल मनप्रीत दा दलाल रहा 2012 दे विच लखां डालर लै गया और उस तो बाद 2014 तो लैके अज ताईं 16 मिलियन डालर खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता ए आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं। झूठे पुलिस मुकाबले इस अरविंद केजरीवाल दी हदायतां ते डायरेक्शन हेठ हो रहे है। जिम्मेवार है यह भगवंत भांडमान दलाल ते अरविंद केजरीवाल सिख पंथ ते पंजाब दे खिलाफ भुगतन वाला। हुण फड़िया गया एक हिंदू ने दूजा कट्टरवादी हिंदू फड़ लिया हुण पिया इन्हां दा आपस दे विच पेचा ते जदों जेल विच जाएगा केजरीवाल याद रख तेरे होणगे टाकरे खालिस्तानी पक्षी सिखां नाल उत्थे फिर लिया जाएगा हिसाब किताब के प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर क्यों नहीं छड्डिया क्यों खालिस्तान रेफरेंडम दे संघर्ष करन वालियां दे उत्ते केस झूठे पाए गए क्यों भाई अमृतपाल सिंह और अते एनएसए ला के डिब्रूगढ़ भेजा गया हर एक चीज का हिसाब होएगा जेलों दे विच 16 मिलियन डॉलर भी सिख पंथ का खालिस्तानी पक्षी सिखां दा आम आदमी पार्टी ने लिया उसका भी हिसाब किताब होएगा। पंजाब वालियों